दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका होश उड़ जाएंगे। किसान ने नागिन को क्यों मारा और नाग ने किसान के बेटे को क्यों डस लिया। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। एक किसान के खेत में दो नाग नागिन रहते थे। वो बहुत खुश थे। दिन में अपने घर में जाकर आराम करते थे और रात में वो निकलकर चारा खाते थे और खाना पीना खाते थे। जैसे ही रात होता था वो रात के अंधेरे में जाकर छिप जाते थे। रात में इसलिए नहीं निकलते थे कि अगर किसान देख लिया तो उसे मार देगा, कोई इंसान देखेगा तो उसे मार डालेगा, इसलिए दिन में वो नहीं निकलता था। जैसे ही रात हो जाते वो दोनों निकलकर खेल कूद करने लगते थे। क्योंकि रात में इंसान नहीं चलते हैं इसलिए वो रात में ही निकलते थे। एक दिन किसान वहाँ खेत में काम कर रहा था। किसान उसी घर के पास काम करने लगा जहाँ नाग नागिन रहते थे। किसान को नहीं मालूम था इसलिए सांप का घर उसने तोड़ दिया। तब नाग नागिन बाहर आ गए, किसान को देखने लगे। तब किसान ने लाठी उठाकर सांप को मारने को चाहा। तभी नाग नागिन ने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें तुम मार रहे हो? मैंने तो आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। किसान बोला कि मैं क्यों मान लूं कि तुम किसी को काटोगे नहीं? नाग बोला, मैं वचन देता हूं कि मैं किसी को काटूंगा नहीं। मैं सिर्फ रात में निकलता हूं, दिन में नहीं निकलता हूं, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और रात में आपके फसल का देखभाल भी करूंगा। किसान को दया आ गया और कहा कि तुम ठीक है, यही रहो, पर किसी को काटना मत। और किसान चला गया। कुछ दिन के बाद नागिन ने कहा, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। पर नाग ने कहा कि नहीं, हम किसान को वचन दिए हैं इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते। पर नागिन जिद करने लगी। नाग ने कहा, रात में जाएंगे पर सुबह जल्दी हम यहाँ आ जाएंगे। लेकिन नाग नागिन को आने में लेट हो गया और यहाँ तीसरा सांप आ गया। और इत्तेफाक की बात है कि वहाँ किसान का बेटा काम कर रहा था और तीसरा सांप ने उसे काट लिया। इसी बीच नाग नागिन वहाँ आ गए तो देखा कि किसान का बेटा को तीसरे सांप ने काट लिया है। तभी नाग कहता है कि हम उस सांप के पीछे जाते हैं, उसे और मार के आते हैं, और तुम इस बच्चे के सांप का विष निकाल लो। तभी नागिन वहाँ बच्चे का शरीर से विष निकालने लगता है। इतने में किसान वहाँ आ गया और देखा कि नागिन ने उसके बच्चे को काट रहा है। किसान को गुस्सा आ गया और किसान उस नागिन को मारने लगा। उसे इतना मारा कि नागिन वहीं मर गया। तभी तीसरे सांप को मारकर नाग भी वहाँ आ पहुँचा और देखा कि उसकी नागिन को मार रहा है। इतने में किसान ने देखा कि नाग भी वहाँ आ गया है। गुस्से में आकर किसान ने नाग को मारना भी चालू कर दिया। इतने में किसान का बेटा वहाँ उठकर खड़ा हो गया और कहा कि पापा, इसे छोड़ दो, इसका कोई गलती नहीं है, मुझे तीसरे सांप ने काटा था, नागिन तो हमें बचा रहा था, हमारे विष पी रहा था। नाग ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो हम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए और रात में हम कहीं बाहर चले गए, इसलिए तुमने हमारे नागिन को मार डाला। नाग ने कहा कि पर मेरी नागिन की कोई गलती नहीं थी, वो तो आपके बेटे को बचा रहा था और आज आपका बेटा जिंदा है तो इस नागिन की वजह से, और आपने उसी को मार डाला। किसान ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए तुम मुझे काट लो और मेरे बच्चे को छोड़ दो। तो दोस्तों, नाग को किसान को डस लेना चाहिए या उसके बच्चे को डस लेना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें किसका गलती है। क्या नाग को किसान या उसके बेटे को डस कर अपने नागिन का बदला लेना चाहिए या नहीं? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।